अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ मी हमे जरीन एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर बी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है सॉल्व अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस इसका क्वेश्चन नंबर वन है फोर्टी पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई फोर फोर्टी पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई फोर पॉइंट कैंसिल हो गया पॉइंट की जगह वन लिखा और दो, जी, दो जीरो लगा दिए क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो टू जीरो आर एडेड दिया तो ये हंड्रेड बन गया पॉइंट से पहले हमारे पास है फोर ज़ीरो तो फोर जीरो को हम स्किप नहीं कर सकते यानी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई वन अप फोर स्टूडेंट्स फोर का रूल क्या है कि लास्ट के टू डिजिट फोर से डिविजिबल हो फोर का रूल क्या है कि लास्ट के दो जो नंबर्स हों फोर से डिविजिबल यानी फोर से डिवाइड नहीं हो सकता तो अब हम क्या करेंगे फोर थाउजेंड ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर हंड्रेड फोर थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड को फोर से फोर हंड्रेड आ जाएगा अब हम अपना डिवीज़न स्टार्ट करते हैं फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वी हैव थ्री डिजिट नंबर्स। वी नंबर वन डिजिट नंबर डिजिट नंबर फोर हंड्रेड वन सा फोर हंड्रेड टू में से जीरो माइनस किया टू जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो

इंक्रीज कर दिया है जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो फाइव में से जीरो माइनस किया फाइव टू में से जीरो माइनस किया टू अब हमने पॉइंट का एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज किया है एक और जीरो यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे फोर हंड्रेड सिक्स स्टूडेंट्स मुझे फोर का टेबल किस तरह याद है फोर हंड्रेड का टेबल किस तरह याद है क्योंकि मैं फोर का सिक्स फोर का टेबल पढ़ी हूँ सिक्स फोर जो फाइव फोर सा ट्वेंटी तो छोटा हो जाता है ट्वेंटी फोर आएगा यहाँ पर जीरो जीरो वन एक और जीरो बढ़ा दिया दूसरा जीरो ये बढ़ाया और ये हमारे पास थर्ड वन है फोर हंड्रेड टू सा एट हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड थ्री सा ट्वेल्व हंड्रेड तो थाउजेंड कीजिए ट्वेल्व हंड्रेड तो नहीं आ सकता ना एट हंड्रेड जीरो जीरो टू अब हम एक और जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पर टू हंड्रेड है ना वैसे हमें आंसर है आप सॉल्व आप टू थ्री डेसिमल डेसीमिल तो थ्री डेसिमल बट हम अपना आंसर स्टॉप कर देते हैं द आंसर इज टेन पॉइंट जीरो सिक्स टू इसी एक्सरसाइज का मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन करती हूँ पॉइंट के नीचे देखिए यहाँ पर दो दोनों डेसिमल है पॉइंट के नीचे वन दो जीरो आ गए पॉइंट के नीचे वन दो जीरो आ गए पॉइंट इज कैंसल्ड थ्री हंड्रेड सिक्सटीन अपऑन हंड्रेड डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड थर्टीन टू हंड्रेड थर्टी वन है जो पॉइंट ये रहा पॉइंट कैंसिल हुआ है थर्टी वन क्वेश्चन टू पॉइंट थ्री वन हाँ तो ये थर्टी वन हो गया अब हंड्रेड वन सा हंड्रेड हंड्रेड वन हंड्रेड देवीजन देर टू डिवीजन टू हंड्रेड थर्टी वन को थ्री हंड्रेड सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे डीमिनेटर ये डेनोमिनेटर ये टू हंड्रेड थर्टी वन का टेबल पढ़ लेते हैं टू हंड्रेड थर्टी वन टू ज टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स टू टू जो फोर यानी वनजा होगा एलेवन में से थ्री माइनस किया बोरो लिया तो यहाँ पर हमारे पास बचे का एट पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिया अब टू हंड्रेड थर्टी वन थ्री ज़ा थ्री वन ज़ा थ्री 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 ज़ा नाइन थ्री टू ज़ा सिक्स टू हंड्रेड थर्टी वन फोर ज़ा फोर वन ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर टू ज़ा एट और वन नाइन नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर इज ग्रेटर देन एट हंड्रेड फिफ्टी सो वील विल

फाइव वन ज़ा फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन फाइव टू झार टेन और वन इलेवन टू हंड्रेड थर्टी वन सिक्स ज़ सिक्स वन जार सिक्स सिक्स थ्री जो एटीन सिक्स टू हजार ट्वेल्व वन थर्टीन टू हंड्रेड थर्टी वन सेवन ज़ा सेवन वन झा सेवन सेवन थ्री हज़ार ट्वेंटी वन सेवन टू ज फोटीन और

सिक्सटीन, थ्री थ्री में से वन माइनस किया टू एट में सिक्स माइनस किया टू इज रिमाइंडर और आंसर एज पॉइंट थ्री सिक्स सेवन। स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज फोर पॉइंट एट का क्वेश्चन नंबर ए भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोर पॉइंट एट Page number seventy one. Question number A. Four point exercise four point eight. Question number A. Page number six seventy one is page. Solve by converting decimal to fraction, which you already learned from. दिस वीडियो एंड प्रीवियस वीडियो आपको सॉल्व करना है कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड से सिखाऊंगी और यही मेथड आप फॉलो करेंगे आपको एक्चुअली डिवाइड करना है और डिवाइड करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप पॉइंट के नीचे वन लगा दें और दो ज़ीरो बढ़ा दें पॉइंट के नीचे वन लगा दें और, और जीरो बढ़ा दें आपका पॉइंट हो गया कैंसिल टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई टेन अपॉन सिक्सटीन टेन अपॉन सिक्स टेन वन सान टेन टेन जन्ड्रेड टू हंड्रेड सिक्सटीन अपॉन सिक्सटी देन यू डू डिवीजन एयर जब आप सिक्सटी को टू हंड्रेड सिक्सटी से सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो सिक्स का टेबल पढ़ेंगे। सिक्स वन सा सिक्स सिक्स टू सा ट्वेल्व सिक्स थ्री सा एटीन सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर यानी फोर नहीं आ सकता थ्री सा एटी वन हंड्रेड एटी थ्री सीरो पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा दिया सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स यानी सिक्सटी सिक्स सा थ्री हंड्रेड सिक्सटी आंसर इज थ्री पॉइंट सिक्स इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन आपको सॉल्व किया था आप क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपके पास नाइनटी सेवन पॉइंट फाइव सेवन एट डिवाइड बाय पॉइंट जीरो थ्री नाइन पॉइंट की जगह वन और तीन जीरो पॉइंट की जगह वन और तीन जीरो अब हमारे पास आया नाइन सेवन फाइव सेवन एट अपॉन थाउजेंड मल्टीप्लाई थाउजेंड रेसिपोकल जीरो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं ज़ीरो लिख भी लेंगे तो ज़ीरो ही कहलाएगा थाउजेंड वन वनजा थाउजेंड थाउजेंड वन वनजा थाउजेंड नाइन सेवन फाइव सेवन एट अपॉन थर्टी नाइन अब इस थर्टी नाइन का टेबल नहीं आता तो हम आप थर्टी नाइन का टेबल यहाँ पर सफाई से लिखेंगे थर्टी नाइन वन ज़ा थर्टी नाइन थर्टी नाइन टू ज़ा टू नाइन ज़ा एटीन टू थ्री जो सिक्स वन सेवन इसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया था आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन वर्टिकल और मैं हॉर्जोंटल कर रही हूँ थर्टी नाइन थ्री ज़ा थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री ज़ा नाइन और टू एलेवन थर्टी नाइन फोर ज़ा फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स फोर थ्री ज़ा इस तरह लिख लिख भी सकते हैं आप फोर थ्री जा ट्वेल्व पे थ्री प्लस किया फिफ्टीन थर्टी नाइन फाइव ज़ा फाइव टाइम जा फोर्टी फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन में फोर प्लस किया नाइनटीन थर्टी नाइन सिक्स ज़ा सिक्स नाइनज़ा फिफ्टी फोर सिक्स सा एटीन में फाइव प्लस किया ट्वेंटी थ्री थर्टी नाइन सेवन ज़ा सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री सेवन सा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में सिक्स प्लस किया ट्वेंटी सेवन थर्टी नाइन एट सा एट नाइन सा सेवेंटी टू एट थ्री सा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में आप जब सेवन प्लस करेंगे थर्टी वन थर्टी नाइन नाइन ज़ा नाइन नाइन ज़ा एटी वन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन में जब आप एट प्लस करेंगे थर्टी फाइव चेक भी कर लेते हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव आई एम राइट थर्टी नाइन टेनज़ा थ्री हंड्रेड नाइन्टी अब हमारे पास थ्री थर्टी नाइन का कंप्लीट टेबल आ गया नाउ वी विल डू डिवीजन देर नाइन फाइव नाइन सेवन फाइव सेवन एट थ्री नाइन टू डिजिट नंबर है टू डिजिट लेंगे थर्टी नाइन टू सेवेंटी एट इज प्रॉपर नंबर टू प्लेस दिया। सेवनटीन में से एट माइनस करेंगे नाइन आपके पास रिमेनिंग बच्चे का एट मीन सेवन माइनस करेंगे वन फाइव थर्टी नाइन फोर सा वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थर्टी नाइन फाइव सा वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव चेक कर लेते हैं दोबारा फाइव नाइन जोटी फाइव फाइव थ्री सा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन वन नाइनटी फाइव ओके थर्टी नाइन फाइव वन हंड्रेड नाइनटी फाइव अब यहां पर सेवन लिखेंगे डिवीजन का रूल है एक वक्त में एक नंबर पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाएंगे और उससे पहले आप उससे पहले आप क्या करेंगे थर्टी नाइन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो कर लेंगे ठीक है टू फिफ्टी होगा उसके बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे यहाँ पर तो टू है पॉइंट तो नहीं लगा सकते थर्टी नाइन जीरो सा ज़ीरो सेवन एट थर्टी नाइन टू ज़ा सेवेंटी एट दिस इज़ द आंसर पॉइंट नहीं लगा सकते स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास तो एक बड़ा नंबर है ना और हम आई इट आई आई फॉगेट आई फॉगेट एट सो आई फॉगेट ऑल द प्रोसीजर बट सेवेंथ था यहाँ पर थर्टी नाइन जीरो जीरो थर्टी नाइन टू जो सेवन टी एट आंसर क्या है हमारे पास टू फाइव जीरो टू इज आंसर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हमारे पास पॉइंट जीरो वन नंबर फिफ्टीन है हमारे पास नो क्वेश्चन नंबर टीन है टेन पॉइंट टू सिक्स डिवाइड बाय पॉइंट वन एट टेन पॉइंट टू सिक्स डिवाइड बाय पॉइंट वन एट पॉइंट की जगह वन दो जीरो पॉइंट की जगह वन और दो जीरो पॉइंट फिनिश्ड वन थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स अपॉन हंड्रेड रेसिपोकल हंड्रेड अपॉन एटीन डिवाइड के बाद वाली टाइम को रेसिपोकल करते हैं ठीक है हमने रेसिपोकल कर दिया एटीन अपॉन हंड्रेड की जगह हंड्रेड अपॉन एटीन आ गया हंड्रेड वन वनजा हंड्रेड हंड्रेड वन वनजा हंड्रेड थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स अपॉन एटीन एटीन का टेबल पढ़ना पड़ेगा एटीन वनजा बल्कि लिख लेते हैं एटीन वन सा एटीन एटीन टू सा थर्टी सिक्स एटीन फोर जा सेवेंटी टू एटीन फाइव सा नाइन्टी एटीन सिक्स जा वन ट्वेंटी एट एटीन सेवन सा वन ज़ीरोट वन ट्वेंटी सिक्स एटीन ऐट जाट एट जा सिक्सटी फोर एट वन साट और सिक्स फोर्टीन ऐटीन जा नाइन ऐट ज़ा सेवेंटी टू नाइन वन जा नाइन में सेवन प्लस किया सिक्सटीन एटीन टेन ज़ा एट वन एट आप एटीन को डिवाइड करेंगे वन ज़ीरो टू सिक्स

टेन में से नाइन माइनस किया वन टू एटीन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन का आंसर डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आ रहा मगर आंसर तो है ना होल नंबर में भी आंसर आ सकता है अब मैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट एट का क्वेश्चन नंबर बी आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर बी है डायरेक्ट डिवीजन क्वेश्चन नंबर बी है आपके पास डायरेक्ट डिवीजन डायरेक्ट डिवीजन का क्या मतलब है इसका क्वेश्चन नंबर वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ डायरेक्ट डिवीजन मैं आपको ये डायरेक्ट डिवीजन से विश्वास से बता रही हूँ और इस वजह से करवा रही हूँ कि ये बहुत ये इस मेथड से थोड़ा सा ज्यादा आसान है लेकिन अगर आप इसको समझ लें तो आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? हैं थ्री तो आपने पॉइंट थ्री नंबर आ गया यहाँ पर भी आपको थ्री डिजिट लगाने पड़े पॉइंट थ्री नंबर आगे हो गया यहाँ पर पॉइंट के बाद ऑलरेडी थ्री थे यहाँ पर थे ज्यादा और यहां पर थे कम तो हमने यहाँ पर दो जीरो ऐड कर लिए अब हमारे पास पॉइंट तो हो गया कैंसिल क्योंकि सिक्सटीन के बाद पॉइंट आ गया और टू हंड्रेड के बाद पॉइंट आ गया तो पॉइंट तो अब नहीं रहा अब ये पूरा होल नंबर बन चुका है यानी डिवाइडेड बाय सिक्स इट मींस ये है मीन अपॉन टू डिवीजन एयर अब चूंकि टू हंड्रेड का टेबल बहुत ही आसान होता है तो मैं टू हंड्रेड का टेबल नहीं लिख रही अब हमारे पास थ्री डिजिट नंबर है टू डिजिट नंबर है जीरो लगा देंगे ऑलरेडी पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे पॉइंट से पहले हम जीरो बढ़ा सकते हैं टू हंड्रेड के टेबल में वन सिक्सटी भी नहीं आता जीरो सा ज़ीरो जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो सिक्स में से ज़ीरो माइनस किया सिक्स वन में से ज़ीरो माइनस किया वन पॉइंट के बाद एक जीरो हम बढ़ा चुके हैं एक और जीरो बढ़ा देंगे हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड एट सा सिक्सटीन हंड्रेड पॉइंट जीरो एट आंसर अभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर एट है मेरे पास वन पॉइंट जीरो वन एट डिवाइड बाय पॉइंट नाइन ओके स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर एट ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट एट क्वेश्चन बी का क्वेश्चन नंबर एट अब यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट हैं थ्री यहाँ पर है वन वन में टू ज़ीरो ऐड कर देंगे तो दो ज़ीरो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए यहाँ पर ये यह इधर आ जाएगा और ये पॉइंट इधर नाउ वी विल हैव वन थाउजेंड एटीन डिवाइड बाई नाइन हंड्रेड वन थाउजेंड एटीन डिवाइड बाई नाइन हंड्रेड हमारे पास आ गया यानी हमारे पास ये फ्रैक्शन इस टाइप का है अब आप क्या करेंगे एक्चुअली आपको बस ये वाला मेथड समझना है आपको अगर पॉइंट के बाद वन पॉइंट uh, के बाद वन लगाकर जीरो बढ़ाने हैं तो वो क्वेश्चन आपको मैंने पिछली दो तो एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया फोर पॉइंट फाइव और फोर पॉइंट थ्री ठीक है सही फोर पॉइंट फाइव में मैंने आपको क्वेश्चन ए और बी में यही इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है बुक में आपके पास डायरेक्ट डिवीज़न लिखा हुआ है यानी कि आपको सिर्फ इसको इस तरह से डिवाइड किया है फाइव और सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है मैंने यही इस तरह नहीं किया मैंने एक ही मेथड से आपको समझाया है लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन है और डायरेक्ट डिवीजन आपको बताना था इस वजह से मैं आपको नाइन हंड्रेड का टेबल भी नहीं लिख रही मैं नाइन हंड्रेड का टेबल आसान है थ्री डिजिट लेंगे थ्री डिजिट छोटा है तो हम यहाँ पर फोर डिजिट ले लेंगे नाइन हंड्रेड नाइन साइन नाइन टू एटी नाइन थ्री सेवन नाइन फोर फोर थर्ट सिक्स नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर नाइन सेवन ज़ा सिक्स थ्री नाइन नाइन ज़ा एटी वन ठीक है नाइन टेन ज़ा नाइन हंड्रेड तो ये थाउजेंड एटीन है और नाइन हंड्रेड एलेवेन ज़ा क्या होता है नाइन्टी नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन हंड्रेड यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा नाइन्टी नाइन हंड्रेड यहाँ पर बाकी में ज़्यादा हो जाएगा है ना नाइन्टी नाइन हंड्रेड थोड़ी आ सकता तो यहाँ पर आएगा टेन जा नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड हो जाएगा गलत आई एम रॉन्ग आई एम रॉन्ग देर नाइन नाइन हंड्रेड फाइव जा फोर्टी फाइव नो नाइन हंड्रेड वन ज़ा नाइन हंड्रेड ही आएगा थाउजेंड से छोटा नाइन हंड्रेड वन ज़ा नाइन हंड्रेड ओके अभी आप यहाँ पर कंसिडर करें जस्ट देयर इज़ ओनली वन नाइन हंड्रेड वन जो नाइन हंड्रेड एट में से ज़ीरो माइनस किया एट वन में से ज़ीरो माइनस किया वन एंड वन पॉइंट लगा कर ज़ीरो पढ़ा दिया नाइन हंड्रेड टू ज़ा एटीन हंड्रेड जो कि यहाँ पर फिर दोबारा वन थाउजेंड वन हंड्रेड एटी नाइन हंड्रेड वन ज़ार नाइन हंड्रेड ज़ीरो एट टू एक ज़ीरो और बढ़ा दिया नाइन हंड्रेड थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन नाइन हंड्रेड थ्री जा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड नाइन हंड्रेड अगेन ये रिपीटेड हो जाएगा तो आंसर वन पॉइंट वन थ्री वन थैंक यू स्टूडेंट्स